गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक नया वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के बीच में। और आज का जो वीडियो हमारा बनने वाला है वो अलग अलग टाइप के जो आजकल स्लीपर आ रहे हैं उसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। और आप लोग को पूरा वीडियो में डिटेल दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना वेट है और उसके इंसर्ट से इंसर्ट का कितना डिस्टेंस है, वो पूरा आपको मैं मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। और पहले तो एक ऑर्डिनरी स्लीपर आता था और अभी जो नया लॉन्च हुआ है एक वाइडर बेस स्लीपर आ रहा है, तो वो दोनों के ही बीच में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे क्या होता है। अभी रखा हुआ है, हमारे पास ही रखा हुआ है। तो आगे चलिए आपको मेन लाइन में जो दिखाते हैं कि स्लीपर कौन कौन सा लगा है, कैसे होता है, तो वो दिखाते हैं आपको। तो अभी जैसे कि आपको एक यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्नआउट का स्लीपर लगा हुआ है। ये हर एक स्लीपर का मान के चलिए साइज अलग होता है, इंसर्ट सब अलग तरीके से लगा होता है क्योंकि इसमें जो है अलग तरीके से प्लेट, ये देख सकते हैं बैरिंग प्लेट या स्लाइड चेयर सब अलग अलग तरीके से लगता है। तो इसका तो जो साइज है और डिज़ाइन है सब अलग तरीके से किया जाता है। और आगे आपको दिखाता हूँ जो कि ऑर्डिनरी और बॉर्डर बेस जो स्लीपर मेन स्लीपर दिया है उसके बीच में क्या क्या समानताएं हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दी गई हैं अभी तो ये सब टर्नआउट का ही स्लीपर चल रहा है। आगे आपको दिखाता हूँ जो हमारा लिंकिंग हुआ है उसमें ले चल के दिखाता हूँ आपको। और हमारा देख सकते हैं बाहर का काम, कहीं भी अगर प्लांट के बाहर काम मिलता है तो बहुत ही स्मूथली काम हो जाता है और टाइम से भी हो जाता है। और प्लांट के अंदर काम मिलने से क्या है, सबसे ज़्यादा परमिशन का दिक्कत होता है। और ये हमारे साइट सुपरवाइजर जो कि काफ़ी इनको भी अनुभव हो चुका है काम करने का, नाम अनुज यादव। और आगे चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी देख सकते हैं ये हमने एक रेल डालना है तो यहाँ भी टर्नआउट्स का ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लीपर टर्नआउट्स का है, फिर ये नॉर्मल स्लीपर है जो ऑर्डिनरी बता रहा था, बट यहाँ नहीं आपको आगे समझाएंगे जहाँ की दोनों स्लीपर एक साथ रखा हुआ है वहाँ पे, तो वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं आज। और अभी जो ऑर्डिनरी स्लीपर है वो चालू होने वाला है, उसमें क्या नंबर है और उस स्लीपर में क्या नंबर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी लेंथ है, कितनी इसकी हाइट है, ठीक है, वो सब पूरा आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। तो ये है मेरे कैमरामैन और इनसे मैं चाहूँगा कि ये मेरा कैमरा पकड़िए। जी यार कैमरा में बना दियो। अभी देखिए आपको दिखाता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट, मेरी तरफ करो, सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट है। तो आइए आपको दिखाता हूँ क्या है किस तरीके से। ये देख सकते हैं ये है जो रखा हुआ है ऑर्डिनरी स्लीपर रखा हुआ है, ये अपना जो है ऑर्डिनरी स्लीपर रखा हुआ है, ठीक है। और इसका मैं नंबर भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये नंबर देखिए, ये देख सकते हैं RT2496, ये तो इसका नंबर हो गया। और इसमें देखिए क्या लगा है, इंसर्ट लगा हुआ, इसको इंसर्ट बोलते हैं, ये दोनों जो लगा हुआ है ये दोनों इसको इंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो अपना है इंसर्ट है और आगे इधर भी सेम प्रोसीजर इधर भी है, तो दोनों साइड है, इसमें रेल बैठता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल बैठा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेल देख सकते हैं दोनों इंसर्ट में, एक इस साइड और एक इस साइड, ये ERC है, लाइनर है, रबड़ पैड, इसमें इतनी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये जो वीडियो है इसमें क्या क्या फिटिंग्स होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और विद RDSO नंबर, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी स्लीपर के बारे में, स्लीपर का टॉपिक पे चलते हैं, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये दोनों इंसर्ट के बीच में रेल को रखा गया है और इसमें बैठा हुआ है, तो आपको दिखाइए आज ये दिखाते हैं कितना इसका डिस्टेंस है, अंदर का डिस्टेंस ये देख सकते हैं। ये हमारा भाई अभी जो दिखा रहा हूँ ये इसका डिस्टेंस, आज ये आपको दिखाता हूँ इसके बीच का, आज ये दिखाई टेप पे फोकस करिए, ये जो इसका डिस्टेंस है बीच का
यहाँ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखिएगा प्रॉपर, ये देख सकते हैं 65.65 आ रहा है, 65 आ रहा है, 165। और इसका जो देख सकते हैं रील का जो डिस्टेंस है, नीचे नीचे आपको दिखाता हूँ कितना है, पहले मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा ना पकड़े, ये 145 के करीब में आएगा, देख सकते हैं जैसा कि है 145 आएगा। अभी आपको दिखा भी देता हूँ कितना आएगा, आज ये यहाँ पे दिखाते हैं 165 ये है, और प्लस ये देखिए ये कितना है, सॉरी 150 150 है, इसकी जो चौड़ाई है 150 है, तो ये प्रॉपर मान के चलिए इसमें बैठता है। आइए आगे भी आपको हम दिखाते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आपको दिखाता हूँ, ठीक है इसकी माप के आपको, अरे यार कैसे भेजते हैं इसकी लंबाई ये देख सकते हैं 275 है, 2.75 मतलब 2 मीटर 75 सेंटीमीटर अपना ये जो है इसकी पूरी लंबाई है, मान के चलिए 9 फीट आप देख सकते हैं, इस पर जूम करके दिखा 9 फीट ये देख सकते हैं 9 फीट यहाँ पर है, और ये तो इसकी लंबाई हो गई। और आगे अब इसकी हाइट की बात करते हैं, तो हाइट कितनी है, हाइट भी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ से इसकी हाइट, 2-3 जगह से आपको नाप के दिखाऊंगा मैं, यहाँ से इसकी जो हाइट है ये है 240, तो जो स्लीपर का हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 240 है, और यहाँ से भी देखते हैं कितना आ रहा है इसका हाइट, यहाँ से अगर हाइट देखेंगे तो सेम 240 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं 240 आ रहा है। और ये बीच में एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ आ रहा है अपना 190 आ रहा है, तो लगभग 190 के करीब में यहाँ जो है इसका हाइट आएगा, क्योंकि इसका शेप जो है अलग है, यहाँ से इसका जो शेप दिया हुआ है हल्का ऐसे टाइप में दिया हुआ है, इस करके वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, ये बीच साइड में इसका जो हाइट है वो कम है। और ये तो हो गया इसकी लंबाई हो गई और हाइट की बात हो गई, और अब आ जाइए आपको जो है मैं इसका जो वेट भी है वो भी बता देता हूँ, इसका जो वेट है 290 से 295 केजी के बीच में जो है ये स्लीपर आता है, इतना इसका वेट होता है। और जो अभी लेटेस्ट मॉडल जो स्लीपर आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ, तो ये जो गाइस अभी आपको ये साइड में लेकर चलते हैं, वहाँ स्लीपर बिखरा पड़ा हुआ है तो घर में प्रॉपर होगा, तो ये साइड में आपको दिखाता हूँ, ये है जो अपना वाइडर बेस स्लीपर है, ये आप देख रहे होंगे ये वाइडर बेस स्लीपर है, इसको वाइडर बेस बोलते हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम दिखाया था उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो ये स्लीपर का लेंथ कितना है, इसका हाइट कितना है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो मेरे हिसाब से सेम ही आएगा, और इसका बीच का डिस्टेंस सेम ही आएगा, बट तब भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा और क्या इसका नंबर है, नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं नंबर दिया हुआ है, दिख रहा होगा कि नहीं, RT8746, तो उसका नंबर था RT2496 था, और इसका जो नंबर है RT8746, तो ये है इसका ड्राइंग नंबर हो गया। और अब बात करते हैं इसकी लंबाई की, कितना लंबा है वो आपको दिखाते हैं, देखिए टेप लगाया यहाँ पे, और इस प्रकार से जो हमने मेजरमेंट किया तो लंबाई तो इसकी उसकी 275 थी, और इसकी लंबाई आ गई अपनी 276, देख सकते हैं, और थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। और अब इसकी हाइट की बात करते हैं, उसका हमने हाइट जो है साइड से मापा था, और इसका जो हाइट है हम भी साइड से ही लेते हैं, तो देखते हैं साइड साइड में कितना डिफरेंस है, तो देख सकते हैं इसका जो हाइट है ये देख सकते हैं 200 है इसका हाइट साइड से, और उसका आपको दिखाया था कितना है, और इधर बीच में से भी दिखा देता हूँ कितना है इसका हाइट, इसका 210 है, 210 मान के चलिए, नहीं 200.05 मान के चलिए, इसका जो बीच में है इसका शेप जो है एकदम फ्लैट में है, तो इसलिए इसकी हाइट वहाँ भी मैच कर रही है, यहाँ भी मैच कर रही है, शायद यहाँ इंसर्ट के पास आपको दिखाता हूँ, क्या पता यहाँ पे ज़्यादा हो इंसर्ट के पास, हाँ यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट के पास ज़्यादा है इसकी हाइट, वो स्लोप में था इसलिए, तो मान चलिए 240 के आसपास है, 245 इसका हाइट मान के चलिए, यहाँ तक अगर हम ये एज तक पकड़ते हैं तो 245 मान के चलिए इसका है।
तो अब इसकी इंसर्ट की बात करते हैं, आपको इंसर्ट दिखाते हैं। इसका इंसर्ट का ये देख सकते हैं कितना है, इंसर्ट तो अंदर का 160 है, 160 ये देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया है, इसमें बिल्कुल टच है और यहाँ पे 160, ठीक है। तो ये है इसके इंसर्ट का, और रेल का तो डायमेंशन जो है सेम ही रहेगा। तो ये आज मैंने जो आपको बता रहा है, ये दो अलग अलग स्लीपरों के बारे में बता रहा है जो कि रेलवे में रेगुलर यूज़ किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। फिर मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में।